हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय सैनी यूट्यूब चैनल। आज हम जीके के ज्योग्राफी सेक्शन से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि वर्ल्ड में जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि आप सब ने सुना होगा कि बाल्टिक नेशंस या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ या बलकान कंट्रीज़, तो आज हम देखेंगे कि उन सब डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट जो उनके एक रीजन है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसमें यही कंट्रीज़ होंगी, तो हम एक जनरली एक्सेप्टेबल नोशन लेके चलेंगे कि जनरली ये कंट्रीज़ आती ही हैं। उसमें एक कई बार कुछ कंट्रीज़ ऐड हो जाती हैं, कई बार कुछ कंट्रीज़ कम कर दी जाती हैं, तो लेकिन मोस्टली ये जो मैंने कंट्रीज़ यहाँ पर लिखी हैं वही कंट्रीज़ इन ग्रुप्स में होती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बाल्टिक नेशंस। तो आपने कई बार सुना होगा कि बाल्टिक कंट्रीज़ या बाल्टिक नेशंस तो कई एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, तो उसी को लेकर हम आज ही पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बाल्टिक नेशंस, तो बाल्टिक नेशंस में तीन कंट्रीज़ आती हैं। तीन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो 90% के जगह पर आप यही देखेंगे कि ये तीन कंट्रीज़ ही होंगी, और विकिपीडिया या और सारी जगह से जहाँ से मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है वहाँ पर भी ये तीन कंट्रीज़ ही हैं। कई जगह हो सकता है आपको एक या दो कंट्री एक्स्ट्रा दिखाई दे, तो लेकिन मोस्टली मेजरली हम यही मानते हैं कि ये तीन कंट्रीज़ और मोस्टली इन सब ग्रुप्स में मेजरली ये कंट्रीज़ होती हैं जो ये मैंने लिखी हैं। तो चलिए सबसे पहले जैसा हमने बताया कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है कि बाल्टिक से बी आप याद रखेंगे और बेल, यहाँ पर मैंने ट्रिक बनाई है बेल, BELL। तो बाल्टिक से आप जब भी देखेंगे कि बाल्टी में कोई बेल बजा रहा है या बाल्टिक बेल, तो आप बेल से आप इस तरह याद रखेंगे, बी से बाल्टिक और EELL से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप इस तरह से याद रखेंगे। तो बाल्टिक नेशंस, बाल्टिक, बेल, तो और ई से एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। सो बाल्टिक्स में बेल। नेक्स्ट देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज़ में, तो जनरली एक्सेप्टेबल जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो हैं स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। सिर्फ ये तीन कंट्रीज़ ही स्कैंडिनेवियन कहलाती हैं, और बाकी नॉर्डिक कंट्रीज़ जो होती हैं वो होती हैं फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। तो ये पाँच कंट्रीज़ नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, तो आप इनमें कन्फ्यूज़ मत होना। तो स्कैंडिनेवियन को हम किस तरह याद रखेंगे? SSDN, टेलीकम्युनिकेशन में एक टर्म होती है SSDN, तो आप उससे आप याद रखना SSDN। तो इससे क्या होगा, एस फर्स्ट जो एस है वो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का एस, और बाकी के तीन जो SDN, तो एस से स्वीडन, डी से डेनमार्क, एन से नॉर्वे। तो SSDN फर्स्ट से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फिर SDN, तो स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। तो थर्ड देखते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़, यहाँ पर नॉर्डिक कंट्रीज़ है, तो यहाँ पर ये पांच कंट्रीज़ आती हैं इनमें। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ तो आती ही हैं स्वीडन डेनमार्क और नॉर्वे और फिनलैंड और आइसलैंड और जुड़ जाता है, तो पांच कंट्रीज़ हो जाती हैं। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ हम किस तरह से याद रखेंगे? नॉर्डिक से आपको याद आएगा नोड से आएगा, हम फिजिक्स में करते थे फाइंड द नोड करंट, तो उसी फाइंड से आप याद रखिए फाइंड्स। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ का होता है फाइंड्स, तो फाइंड द नोड करंट से हमें नोड से फाइंड याद आएगा और फाइंड से फाइंड्स। फाइंड्स में क्या होगा? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। एफ से फिनलैंड, आई आइसलैंड, नॉर्वे, डी से डेनमार्क, एस से स्वीडन। फाइंड्स द नोड, तो यहाँ पर मैंने लिखा है द नोड, तो नोड से नॉर्डिक कंट्रीज, फाइंड्स द नोड। नेक्स्ट इज बलकान कंट्रीज़। तो बलकान कंट्रीज़ जो हैं ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, तो 8 कंट्रीज़ हैं, कहीं जगह पर 9 या 10 भी हैं। तो आप एक रफली आइडिया से आप याद रखिए कि ग्रीस, टर्की, आप दो मेन कंट्रीज़ याद रखिए, बाकी इसमें घटती बढ़ती रहती हैं। तो अगर आप इतना भी याद रखेंगे कि ये जो बलकान कंट्रीज़ हैं ये मोस्टली ईस्टर्न यूरोप में आती हैं, ये कंट्रीज़ मोस्टली रशिया से अलग होकर, जो USSR टूटकर जब रशिया बना तो उनसे अलग होकर बनी थी, और मेजर जो कंट्रीज़ हैं उसमें ग्रीस या टर्की आप ये याद रख सकते हैं, बलकान कंट्रीज़। तो इसमें कोई ट्रिक ऐसी मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं लगी, तो इसलिए नहीं बनाई। तो नॉर्मली ये रीजन मोस्टली फेमस है, बलकान रीजन, तो ये कंट्रीज़ में घटती बढ़ती रहती हैं। उसके बाद मेलिनेशिया, ये काफ़ी कम लोगों ने सुना होता है लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो मेलिनेशिया में
जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेलिनेशिया में होता है, आप देख सकते हैं वनातु, वनुआतु, सोलोमन आइलैंड्स, फिजी और पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी तो ये जो चार कंट्रीज़ हैं ये मेलिनेशिया में आती हैं। तो इनको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर ट्रिक देखिए, जो रेड में लिखा हुआ है पप्पू, पप्पू को वन में सोलो फ्रिज मिला, पप्पू को वन में सोलो फ्रिज मिला, यहाँ पर मिला है पप्पू को वन में सोलो फ्रिज मिला। तो आप इस तरह से याद रखिए, पप्पू को वन में सोलो फ्रिज मिला, पप्पू से हो गया पपुआ न्यू गिनी, वन हो गया वनुआतु, सोलो हो गया सोलोमन आइलैंड्स, फ्रिज हो गया फिजी और मिला से मेलिनेशिया। तो पप्पू को वन में सोलो फ्रिज मिला, सोलो मतलब एक, सोलो को हम सिंगल बोलते हैं, तो पप्पू को वन में सोलो फ्रिज मिला। तो मेलिनेशिया में आपको ये चार कंट्रीज याद हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं ट्रांस कोकेशियन कंट्रीज या ट्रांस कोकेशियन कंट्रीज, आप किसी भी तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं, गूगल पर भी इसका आप प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, ट्रांस कोकेशियन कंट्रीज। तो इसमें जो आता है वो तीन कंट्रीज आती हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। ट्रांस कोकेशियन कंट्रीज जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। तो इसको कैसे याद करेंगे, जियो बेजान अरमान, मतलब जो आपके अरमान, जो आपके बेजान अरमान हैं उनको आप जियो, तो जियो बेजान अरमान। तो ट्रांस कोकेशियन कंट्रीज जब भी कोई बोलेगा तो आपको ये याद आना चाहिए कि जियो बेजान अरमान, जियो से जॉर्जिया, बेजान से अजरबैजान, अरमान से अर्मेनिया, जियो बेजान अरमान, जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया। तो ट्रांस कोकेशन कंट्रीज से जियो बेजान अरमान। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो कंट्रीज सराउंडेड विद कैस्पियन सी, तो ये लैंड लॉक्ड सी है कैस्पियन सी, इसको सेंट्रल एशियन नेशंस उन्हें कहते हैं जो इसके आसपास जो कंट्रीज़ हैं। तो आपको ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ आती हैं। तो आप इस तरह से आप इसमें 1, 2, 3, 4, 5 जैसा आप देख सकते हैं, फिर 5 कंट्रीज़ आती हैं। तो ये यहाँ पर ये रीजन नहीं है, यहाँ पर ये ज्योग्राफिकल मैंने आपको बताया कि ये सी है और ये 5 कंट्रीज़ इससे बॉर्डर शेयर करती हैं और इससे ज़्यादा कंट्रीज़ शेयर नहीं करती, यही 5 कंट्रीज़ शेयर करती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिक भी है, किरत, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है किरत, तो आप ये समझिए कि जो कैस्पियन सी है उसमें 5 कंट्रीज़ जो आप देख रहे हैं ये सराउंड करती हैं। तो और इसको ट्रिक क्या है याद करने की, किरत, KIRAT, के से कजाकिस्तान, आई से ईरान, आर से रशिया, ए से अजरबैजान और टी से तुर्कमेनिस्तान। याद रखना यहाँ पर टी से टर्की नहीं है, टर्की जो था वो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ब्लैक सी पर। तो यहाँ पर आप याद रखिए जो कैस्पियन सी है वो रशिया से टूटकर जो कंट्रीज़ बनी थी वही आती हैं, तो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान होगा। तो आप दोबारा से देखिए, किरत जो मैंने बताया आपको, कैस्पियन किरत, तो आपको इस तरह याद रखना है कैस्पियन किरत, कैस्पियन किरत। और कैस्पियन रीजन थोड़ा बड़ा हो सकता है, और भी कंट्रीज़ आ सकती हैं, लेकिन ये मैंने स्पेसिफिकली वो 5 कंट्रीज़ बताई हैं जो अपना बॉर्डर, जिनका बॉर्डर ये कैस्पियन सी से लगता है, और वो यही 5 कंट्रीज़ है, इससे ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ ये 5 कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि कैस्पियन रीजन थोड़ा बड़ा रीजन है जिसमें और भी कंट्रीज़ आ सकती हैं, लेकिन जो कंट्रीज़ अपना बॉर्डर कैस्पियन सी के साथ शेयर करती हैं वो ये 5 कंट्रीज़ हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मैंने क्या यहाँ बताया, किरत, कैस्पियन किरत, के से आप देखिए कजाकिस्तान, आई से ईरान, आर से रशिया, ए से अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज़ कैस्पियन सी से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। तो यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था ये रीजन्स हैं, यहाँ पर 1-2 कंट्री बढ़ सकती है, और ये कैस्पियन सी में भी कैस्पियन जो रीजन है उसमें कंट्रीज़ बढ़ सकती हैं, लेकिन ये 5 कंट्रीज़ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। और ये जो मैंने यहाँ पर सारी जो कंट्रीज़ लिखी हैं जितने भी ग्रुप्स में, वो 90% जगह पर आप नेट पर देखेंगे तो यही कंट्रीज़ आपको बताएगा। कुछ कुछ जगह पर बेस्ड ऑन देयर, कुछ कुछ साइट्स में आप कुछ और भी यहाँ पर कंट्रीज़ देख सकते हैं कि बाल्टिक में 4 या 5 कंट्रीज़ दे दें, या नॉर्डिक में, नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक जो जनरल नॉर्म है मैं उस हिसाब से आपको ये कंट्रीज़ बता रहा हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर कैस्पियन सी की कंट्रीज़ जो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं वो ये 5 कंट्रीज़ हैं, आप इसे याद रखेंगे, कैस्पियन किरत। नेक्स्ट इज़ ब्लैक सी,
तो वो कंट्रीज जो ब्लैक सी से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं वो तीन कंट्रीज हैं, टर्की, यूक्रेन और जॉर्जिया। तो ब्लैक सी में ये तीन कंट्रीज आती हैं, टर्की, यूक्रेन और जॉर्जिया। इनको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ब्लैक टग, ब्लैक टग जैसे टग ऑफ वार होता है, तो आप उससे याद रख सकते हैं ब्लैक टग। तो ब्लैक सी में टग तीन कंट्रीज हैं, टर्की, यूक्रेन और जॉर्जिया। तो लास्ट इज कंट्री सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी बहुत बड़ा सी है जो यूरोप में मोस्टली है, और बहुत सारी कंट्रीज, 22 कंट्रीज इसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। तो मोस्टली हम सारी कंट्रीज तो याद नहीं रख सकते, तो हम ये चार पाँच छः कंट्रीज हम याद रख सकते हैं, जिसका एक्रोनिम है सेफ्टी, SAFETI। स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, इजिप्ट, टर्की और यहाँ पर आप देखिए इटली। तो ये सिक्स कंट्रीज़ हैं, इनको अगर आप याद रखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। मेडिटेरेनियन सी पर जो कंट्रीज़ लगती हैं मेजरली, ये कंट्रीज़ लगती हैं, बाकी बहुत सारी 22 कंट्रीज़ लगती हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो आप सेफ्टी एक्रोनिम से ये सिक्स कंट्रीज़ आप याद रख सकते हैं। तो चलिए दोबारा से देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिए, बाल्टिक नेशन, बाल्टिक को आप बेल से याद करेंगे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और ये 95% आप यही देखेंगे, ये तीन कंट्रीज़। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, SSDN। नॉर्डिक कंट्रीज़, फाइंड्स द नॉर्ड, FINDS, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। बलकान कंट्रीज़, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, मोस्टली आप ग्रीस या टर्की याद रख सकते हैं, बल्कान रीजन में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ये सारी मैंने कंट्रीज आप ये लिख दी हैं। नेक्स्ट इज मेलेनेशिया। तो पप्पू को वन में सोलो फ्रिज मिला, तो वनुआटू, सोलोमन, फिजी, पपुआ न्यू गिनी और मेलेनेशिया। ट्रांस कोकेशियन कंट्रीज, जियो बेजान, अरमान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबेजान, ये बेजान, अजरबेजान। नेक्स्ट इज कंट्रीज सराउंडेड विद कैस्पियन सी। तो ये पांच कंट्रीज़ हैं जो अपना बॉर्डर कैस्पियन सी से लगाती हैं, इनको किरत से आप याद कर सकते हैं, किरत। कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया। KIRAT, कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट इज ब्लैक सी। तो ब्लैक सी से ब्लैक टग, टर्की, यूक्रेन, जॉर्जिया। यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये कैस्पियन सी मोस्टली जैसा मैंने बताया रशिया से टूटकर जो कंट्रीज बनी थी, तो यहाँ पर टी से टर्की नहीं होगा, टी से तुर्कमेनिस्तान होगा, जो कि इस्तान वाली जो भी कंट्रीज़ हैं वो जो एशिया में जो रशिया से टूटकर बनी थी वो ऐसे ही तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान बनी थी। तो लास्ट इज कंट्रीज सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी। बहुत सारी कंट्रीज हैं, 22 कंट्रीज़ हैं, काफ़ी बड़ा सी है, तो सेफ्टी से आप इसको याद रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, इजिप्ट, टर्की एंड इटली। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।